बाई 45, 20 feet 0 inch and 45 feet 0 inch house plan design east okay north east facing north south west तो फोर्थ साइड का जो मैं इसका जो लोकेशन है यहाँ पर पोजीशन हमने सेट कर दिया, तो उसके बाद एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक डोर, यहाँ पर एक डोर, ओके, अटैच टॉयलेट, कॉमन बाथ एंड लेटरिन, यहाँ पर कपबोर्ड है आपके, तो इधर एक डोर स्टडी रूम, और इधर जो डोर हम बाहर की तरफ ओपन कर सकते हैं, अगर आपको अंदर की तरफ करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आर्च टाइप का तो रहेगा, तो इसके बाद हम यहाँ पर देखिए कलर ऐड करेंगे, जो है 5 इंच का वॉल यहाँ पर ऐसे आउटसाइड वॉल, और इनसाइड वॉल में हम ऐसे कलर ऐड करेंगे जो है 5 इंच वॉल, और मिलीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 125 mm मिलीमीटर यहाँ पर हमें कन्वर्ट करने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच वॉल के साथ जो है वेंटिलेटर पार्ट यहाँ पर हम ऐड कर दिया है, उसके बाद इंटरनल पार्टीशन वॉल यहाँ पर है 5 इंच 125 mm, यहाँ पर भी वॉल, ओके। नेक्स्ट इधर ऐसे हम इसका जो वॉल के अंदर वेंटिलेटर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर आर्च टाइप का डोर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सब वॉल यहाँ पर 125 mm या 5 इंच वॉल। तो आउटसाइड में हम यहाँ पर बाहर के तरफ भी हम कुछ इसका विंडो प्रोवाइड किया है, तो हम यहाँ पर विंडो प्रोवाइड करेंगे। आप एक बार देखिए इसको, आपको अगर लगता है विंडो नहीं चाहिए तो आप इसको बंद करके घर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको विंडो ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं किस पोजीशन पर आप विंडो बिठाना चाहिए, जिस साइड पे आपका ओपन एरिया रहेगा आप कैसे यहाँ पर विंडो सेट करेंगे यहाँ पर हमने दिखाया है। अगर आपको जिस साइड पर विंडो का पोजीशन मिल जाएगा उसी साइड पर आप कर सकते हैं, हो सकता है आपको 2 साइड ओपन है या 2 साइड या 3 साइड या 4 साइड ओपन है या 1 साइड ओपन है, तो जिस साइड पे ओपन रहेगा आप ऐसे विंडो प्रोवाइड कर दीजिए, और जिस साइड पे आपको विंडो देने का ऑप्शन नहीं है आप एक उधर एक डार्ट या शेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो विंडो वेंटिलेटर हमने प्रोवाइड कर दिया है, उसके बाद डिटेलिंग पर जाएंगे क्या क्या है इसके अंदर और कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। इधर से जो एंट्री है, इधर एंट्री, ओके, यहाँ पर पोर्च एरिया, ओके, यहाँ पर मेन गेट आपको दिखाई देगा, यहाँ पर स्टेयर, ओके, प्लस लिविंग एरिया, ओके, लिविंग स्टेयर का कम लिविंग, यहाँ पर आप स्टेयर का आप, तो अच्छा इसका डिस्टेंस कितना है, 11 feet 2 inch, एक एक साइड हम यहाँ पर धीरे धीरे इसको यहाँ पर डिटेलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। 3 feet 5 feet, ओके, इधर जो है 10 feet इधर तक आ गए, यहाँ पर जो है 3 feet, ओके, इधर जो है 3 feet। नेक्स्ट यहाँ पर डाइनिंग, यहाँ पर स्टडी कम बेडरूम, यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन टॉयलेट। चलिए इधर का जो डिस्टेंस है 10 feet 4 inch,
डिस्टेंस 9 फीट 0 इंच, इधर डिस्टेंस 8 फीट 0 इंच, इधर डिस्टेंस 9 फीट। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस 5 फीट 11 इंच, 4 फीट 6 इंच, 7 फीट। नेक्स्ट डोर D1, D1 डोर, डोर गेट। ओके, यहाँ पर ओपन किचन डिस्टेंस यहाँ पर 12 फीट 10 इंच, एंड इधर डिस्टेंस आपको मिलेगा 8 फीट। ओके, यहाँ पर सीबी कपबोर्ड यहाँ पर है रूम का, तो यहाँ पर एक बेडरूम। ओके, नेक्स्ट इधर एक बेडरूम, तो यहाँ पर जो है 5 फीट 11 इंच, यहाँ पर 9 फीट 4 इंच, इधर जो है 12 फीट, यहाँ पर जो है 9 फीट 5 इंच, इधर जो है 12 फीट। कपबोर्ड जो है यहाँ पर 3 फीट का कपबोर्ड आप यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, इसका जो इंटरनल वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, इसका जो आउट इधर का आउटसाइड वॉल 5 इंच वॉल, ठीक है। इस स्पेसिंग का है, तो इधर हम अभी प्रोवाइड करेंगे इसका कॉलम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर्स कॉलम यहाँ पर हम प्रोवाइड करने का जगह रखेंगे। तो इसमें जो है एक कॉलम यहाँ पर देखिए 10 बाई 12 इंच का कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे। तो इधर जो है इसका डिटेलिंग में देखिए 20 × 45 = 900 square feet, इसका कॉस्टिंग जो खर्चा यहाँ पर 14 to 16 लाख रुपीस यहाँ पर खर्चा आएगा, ठीक है। तो यही था प्लान और डिज़ाइन ईस्ट फेसिंग का। वीडियो और डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।